मोदी आएंगे। हाँ मोदी आएंगे, मतलब कोई हटाने वाला नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है। हटाएंगे राहुल गांधी? नहीं, सवाल नहीं उठता। अखिलेश यादव? सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। अरे बोल रहे आपकी कुर्सी टकमगा रहे हैं, आपकी हार जाएंगे। मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा। अरे मंदिर के नीचे बैठो, सच बोल, बैठा सच बोलता है, मतलब खुल्ला कोई उनको हटा नहीं पाएगा। मोदी जी को? मोदी जी को ऑफिस में कोई नहीं जा रहा, बंद गया है। राहुल गांधी ने गीठा लगा दी है और दूसरी तरफ से अखिलेश यादव ने गीठा पकड़ी है। कोई भी गीठा पकड़ ले, कितना भी वो गीठा टूटने वाली नहीं है ना खुलने वाली है। और कहते हैं कि जंगल में के सारे जानवर जब झुंड में चलने लगे तो समझ लो शेर उतर चुका है मैदान में, मोदी जी उतर चुके हैं। मोदी शेर? हाँ मोदी शेर है। राहुल गांधी? राहुल गांधी पप्पू उनको सब कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। चुनावी यात्रा के दौरान हम प्रतापगढ़ लोकसभा में है और ये जो स्थान है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि यहां पर प्रसिद्ध सिद्ध मां शीतला का मंदिर है। मंदिर हालांकि ऊपर है, लेकिन जो नीचे प्रांगण में आपको दिखाऊंगा, जरा कहूंगा कैमरा में से प्रांगण में दिखाएं, जो लोग यहां पर दर्शन के लिए आते हैं वो यहां पर बैठते हैं, अपनी चर्चा करते हैं और दर्शन करने के बाद कोई भोजन घर से लेकर आता है, प्रसाद चढ़ाता है तो वो यहां पर आकर खाता भी है। लेकिन राजनीति आखिर इस पूर्वांचल की क्या है, प्रतापगढ़ में क्या जनता सोच रही है, देश में जनता क्या सोच रही है, मोदी के दो बार के कार्यकाल से जनता क्या समझती है और क्या अब की बार बदलाव जनता करना चाहती है। बाबा क्या नाम है आपका? जवाहरलाल। जवाहरलाल मोदनवाल। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है, चुनाव में बड़ी चर्चा चल रही है, एक तरफ गठबंधन की चर्चा चल रही है, एक तरफ मोदी जी की चर्चा चल रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग यही सोच रहे हैं कि जिताएंगे उन्हीं को, मोदी को। जितना वो काम कर दिए हैं कोई कर नहीं सकता, बहुत से प्रधानमंत्री आए कोई नहीं किया। तो कह रहे हैं मोदी जी तो खराब आदमी है। कौन कह रहा है मोदी जी खराब आदमी है? पूरा गठबंधन मोदी के खिलाफ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मोदी के खिलाफ कोई नहीं है। हाँ उनके खिलाफ वाले होंगे, पार्टी वाले तो करेंगे। हाँ राहुल गांधी नहीं समझते आप, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? अब प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन जितना काम मोदी कर दिए हैं हो सकता है कोई ना करे, कोई ना करे। हाँ लगता नहीं राहुल गांधी बनेंगे तो कर देंगे? नहीं हमको तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत प्रधानमंत्री आए। अच्छा। बहुत प्रधानमंत्री आए कोई नहीं किया। अच्छा। मोदी बस? बस मोदी। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन हो गया? हाँ गठबंधन हो गया, लेकिन जीतेंगे वही मोदी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको, क्या काम कर दिया ऐसा कि आपको लोग जीते? बहुत से काम, जहाँ साइकिल नहीं जा रही थी वहाँ मोटर चल रही है, जहाँ राशन नहीं मिल रहा था वहाँ राशन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए, और क्या, अब मकान भी बनवा दिए हैं। अच्छा। हाँ वो तो कह रहे हैं मोदी जी को हटाओ अब की बात। भाई जो कहे तो कहे, हम नहीं कहे, नहीं हटाओगे? नहीं मोदी के साथ? हाँ हाँ हम तो रहेंगे मोदी के साथ। अखिलेश के साथ नहीं जाओगे? नहीं नहीं। राहुल गांधी के? कोई के नहीं साथ, मोदी के साथ नहीं। मोदी के जादू है। अच्छा चाहते हो मोदी आए? हाँ मोदी आए। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, हालांकि कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं। ये पूरा प्रांगण है जो दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पे आते हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? सोमनाथ। सोमनाथ जी ये बताइए, चुनाव चल रहा है और तुम्हारे इधर क्या हवा चल रही है? बस हमारे यहाँ मोदी की सरकार है। क्यों है मोदी की सरकार, क्या दे दिया मोदी? काम के हैं पूरा। हाँ मोदी सरकार है पूरा। कह रहे आपकी बार हटाओ मोदी जी? हाँ सवाल नहीं उठते, सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। तो ऐसा क्या कर दिया कि मोदी को नहीं हटाना चाहते? पूरा मतलब पूरा एंसिन पेंसिन, मतलब किसान का मतलब पैसा खाता पे महीने में दो बार राशन। किसान तो वहाँ बॉर्डर पे बैठा था दिल्ली वाले, एक दो बार पूरा बिजली की सुविधा, तला की सुविधा, इतना कौन सरकार दिए रहा? मोदी मोदी आएंगे? हाँ मोदी आएंगे, मतलब कोई हटाने वाला नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है। हटाएंगे राहुल गांधी? नहीं सवाल नहीं उठता। अखिलेश यादव? सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। अरे बोल रहे आपकी कुर्सी टकमगा रहे हैं। नहीं आपकी हार जाएंगे, मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा। अरे मंदिर के नीचे बैठो, सच बोल, बैठा सच बोलता है, मतलब खुल्ला कोई उनको हटा नहीं पाएगा। मोदी जी को? मोदी जी को। और ये राहुल और गठबंधन सब सब गए नीचे, कोई गठबंधन कोच नहीं। अच्छा चलो बाबा, बाबा से बात करेंगे, बाबा से। बाबा जयराम। जयराम भैया कैसे हो? ठीक है ठीक। कहाँ के रहने वाले हो?
अमेठी अमेठी तब तो अमेठी में तो राहुल गांधी क्या किया थे वहाँ? अब आते तो बिजली लेकर आते थे, जाते तो बिजली लेकर साथ लेकर चले जाते थे। क्या आते थे तो क्या करते थे? बिजली लेकर आते थे राहुल गांधी और जाते तो लेते जाते थे दिल्ली। हाँ। लेकिन अब की बार कह रहे हैं मोदी को हटाएंगे। मोदी नहीं जी हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? इतना काम किए हैं, किसान निधि दे रहे हैं सबको, बैठे बैठे घर पर वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, लैटरिन सबकी बन गई, क्या कमी है जो हटेंगे? अरे वो कह रहे हैं मोदी देश बेच रहे हैं। तो कहने दो ना, तो कहने वाले जो विपक्षित कहेंगे कि बेच रहे हैं। राहुल गांधी मिल गए, अखिलेश भैया मिल गए, ममता दीदी मिल गई, सब लोग तो मिल गए, कुछ नहीं कर पाएंगे और चट गिर जाएंगे। अरे वो कह रहे हैं कुर्सी का पाया पकड़ के हिला दिए। कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, एक एक कुर्सी की एक एक कोना नहीं हिलेगा। कोने में देखो, एक कोना राहुल गांधी पकड़ेंगे, एक कोना प्रियंका दीदी पकड़ेंगी, एक कोना अखिलेश यादव पकड़ेंगे, एक कोना अरविंद केजरीवाल पकड़ेंगे, ममता दीदी कुर्सी को उठा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे गए थे धनुष तोड़ने, रावण वगैरह नहीं हिला पाए, राम जी तोड़ दिए, वही राम जी तो फिर आए हैं, कौन हिला पाएगा उनको? अच्छा हाँ, कोई नहीं हिला पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा, कोई नहीं, पक्की बात, पक्की है रहे कि अगर मोदी न होते तो हिंदुओं गलत होती। अरे बाबा, ऐसा कैसे हो जाता? अरे हो जाता। अच्छा, मोदी ने बचा दिया। हाँ, मोदी योगी योगी ने क्या कर दिया? योगी तो बुलडोजर चला देते हैं। हाँ, तो वही तो किए हैं, वही उसी से तो बच गया गला हिंदुओं का, जो बुलडोजर से। हाँ, बुलडोजर से खुश हो सबके? हाँ, बुलडोजर शोर चला है, जो हमारे लोग का दुश्मन था उसी को लोग चला है। हाँ, जो गुंडागर्दी करता। हाँ, कहाँ गए माफिया? मान दात, अब तो माफिया सब बिल में घुस गए ना। कौन से बिल में? वो तो पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए। लुप्त हो गए देखो। कैसे पाया योगी? है? योगी बुलडोजर के दहशत से। लेकिन कह रहे योगी को भी हटाओ और मोदी को भी? कोई नहीं हटा पाएगा, गलत बात है भैया। कह रहे हो कोई नहीं हटा पाएगा, अखिलेश यादव, ममता दीदी, प्रियंका दीदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। पिछली बार कहाँ चले गए थे सब? पिछली बार भी ये हुआ था। हाँ, तो चाहते हो मोदी आए? बिल्कुल 100%। क्या परिवर्तन हो गया? बहुत परिवर्तन हो गया, क्या नहीं हुआ? लाइट, पानी, बिजली, हर चीज, रोड, क्या नहीं है? तो अखिलेश भैया भी देते? अखिलेश कुछ नहीं देता, ये गलत बात। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटा? मुलायम तो चले गए, अब अखिलेश भी चले जाएंगे कुछ दिन में। अखिलेश भी जाएंगे, कह रहे हैं आपकी बार मोदी की कुर्सी हिलाएंगे। ओ कुछ नहीं, नहीं ला पाएंगे। अच्छा, अरे इतना हिंदुओं के मरवाए दिए अयोध्या जी में, और भाई आई कौन मरवा दिए हैं? मुलायम सिंह और कौन? वो तो कह रहे हैं संविधान को बचाने के लिए गोली चलवाया। नहीं नहीं, वहाँ जो गए थे हिंदुओं दर्शन करने के लिए वो गोली चलवा दिए थे। अच्छा, और क्या? तो ये कह रहे हैं कि तो संविधान को बचाने के लिए गोली चलवाना जरूरी था। नहीं नहीं, संविधान को नहीं, वो पक्ष ले लिए दूसरे का, अखिलेश ने, अरे वो मुलायम जी ने पक्ष ले करके गोली चलवा दिए थे। तो लगता है राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर का लाभ किसको मिलेगा? सब हिंदुओं को। सब हिंदुओं? हाँ, और क्या, सब दर्शन करेंगे वहाँ पर जाकर। है? जाकर वहाँ दर्शन करेंगे। राम मंदिर बना दो चाहे कुछ भी बना दो, मोदी को हटाएंगे अब की बार। कोई नहीं हटा पाएगा। कोई नहीं हटा पाएगा। अच्छा, चलिए इधर बात करते हैं, कुछ लोग उधर भी बैठे हुए हैं। पहले युवा से बात करते हैं, युवा क्या सोचता है? आप तो युवा हो और राहुल गांधी भी युवा है और अखिलेश यादव भी युवा हैं, कह रहे हैं अब की बार मोदी को हटाओ। नहीं, हमको एक्सपीरियंस वालों की ज़रूरत है, युवा की नहीं ज़रूरत है। युवा हमारे देश को बर्बाद कर रहे थे और हमारे मोदी जी हमारे देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो हमको युवा नहीं चाहिए, हमको एक्सपीरियंस वाले चाहिए जो हमारे देश के लिए काम करे, हमारे देश को ऊँचे स्तर पर लेके जाए। और रही शिक्षा की बात, तो मैं मोदी जी से अपील करूँगा, बस शिक्षा पर ध्यान दें और बाकी कोई कमी नहीं है मोदी जी के अंदर। आने वाले 20-25 वर्षों तक वो ही राज करेंगे, बीजेपी ही रहेगी। कह रहे हैं अब की बार 24 में जा रहे हैं, 24 में कोई नहीं जा रहा, बंद गया है। राहुल गांधी ने गीठा लगा दी है और दूसरी तरफ से अखिलेश यादव ने गीठा पकड़ी है। कोई भी गीठा पकड़ ले, कितना भी, वो गीठा टूटने वाली नहीं है ना खुलने वाली है। और कहते हैं कि जंगल में के सारे जानवर जब झुंड में चलने लगे तो समझ लो शेर उतर चुका है मैदान में, मोदी जी उतर चुके हैं। मोदी शेर?
हाँ मोदी शेर है इस देश। राहुल गांधी, राहुल गांधी पप्पू उनको सब कहते हैं, देश छोड़ के भागने वाले हैं बहुत जल्दी वो पाकिस्तान उनको। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा की है तो तीन देश वो तीन राज्य हार चुके हैं, फिर से निकले हैं, फिर से हारेंगे। अभी यूपी में यहाँ पे प्रतापगढ़ आए थे तो ये भी हार चुके हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से संगम लाल जी जीत पाएंगे। हाँ जीत, बीजेपी जीतेगी चाहे जो लड़े, संगम लाल जी लड़े चाहे जो लड़े, बीजेपी का ही बीजेपी। हाँ भाई साहब आपका क्या विचार है इस बार? इस बार तो ठीक है, विचार मेरा भी है भाजपा से। अच्छा पिछली बार गड़बड़ा गया था क्या? पिछली बार भी नहीं गड़बड़ाया था, हम लोग पिछली बार भी थे भाजपा के साथ में। ऐसा क्या भाजपा में कोई जादू है, टोना है, क्या है कि भाजपा ही चाहिए? है जो देखिए, जो जो मोदी है, मोदी के पास ही गारंटी है, जो मोदी करेगा वही पहले करके दिखाता है, उसके बाद में जो है काम को प्रस्तुत करता है जो है। गारंटी चलेगी? गारंटी चलेगी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा? अरे ये तो न्याय यात्रा पहले टूट चुकी थी, बहुत पहले से टूट चुकी। अच्छा। ये जुड़ नहीं पा रही है, नहीं जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ पाएगी। अच्छा। अखिलेश पर विश्वास नहीं है, अखिलेश यादव की साइकिल पर? इस साइकिल पर भी विश्वास नहीं है, ये भी टूट चुकी है साइकिल। बोल रहे हैं बहुत तेज चल रही है? नहीं चल पा रही भाई, कहाँ चल रही है, गांव में चल रही है, एक बाजार शहरों में चल रही है। पूरा उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी, 80 हराओ मोदी को हटाओ, नहीं चल पा रही है मोदी के आगे किसी के नहीं चल पा रही है। अच्छा, बस मोदी चाहिए, मोदी ही चाहिए। पंकज, पंकज जी कहाँ से आए हैं? हम कटकावली से। अच्छा ये बताओ, चर्चा चल रही है 2024 के चुनाव की, माँ शीतला के मंदिर के बिल्कुल ठीक हम प्रांगण में खड़े हैं, क्या लग रहा है मोदी जी वापसी या मोदी जी की घर वापसी? अब अगर उनकी कृपा से है ये सब तो आ सकते हैं, कोई भरोसा तो वैसे भी नहीं है। अच्छा हम भरोसा है भी नहीं भी है, क्योंकि पब्लिक का जैसे सूचना समाचार तो आप ही हो। अरे पब्लिक हम तो बता रहे हैं, और भी लोग जनता हैं वो भी जैसे चाहते हैं। से बात करी मैंने तो, क्या कहा सबने? कह रहे मोदी जी आ रहे हैं, समझ लीजिए फिर आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो आपको भी कुछ काम वाम लगा मोदी का? क्या मोदी के काम से जो है सब खुश हैं, हम भी खुश हैं। आप भी खुश हैं? हाँ, ऐसा कोई नहीं कि कोई काम ऐसा कर दिया जो जनता नाराज हो? नहीं, अभी तक अगर ऐसा कुछ होता तो सब सामने आ जाता। खुश हो? हाँ, हमें कोई समस्या अभी तक। तीसरी बार हैट्रिक, देखिए अब हम क्या बताएं आपसे। हाँ, और होने के लिए तो जिस हिसाब से हर चीज़ दुनिया में हो रहा है, देखा जा रहा है, उस हिसाब से ये सब चीज़ें भी उन्हीं के नाम से चर्चा चल रही है यहाँ पर, धार्मिक स्थानों पे। और मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गया, इसके अलावा और भी यहाँ पे अभी ज्ञानवापी में भी डिसीजन हुआ जिस तरीके का। और मोदी जी पास? अरे नहीं भी, उसमें क्या है कि अब देखिए भारत का राजनीति है, भारत के राजनीति में कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, अन्य पार्टी क्या कहेगी, उस हिसाब से बातचीत है। ये कौन है? सिस्टर है मेरी। अरे तो दीदी नहीं जानती मोदी जी को? दीदी ही बताना चाहती होंगी। क्या लग रहा है मोदी सरकार की वापसी या मोदी सरकार चले गए? नहीं, मोदी सरकार 100% 400 पार है इस बार मोदी सरकार का। 400 पार? आप तो युवा है, युवा तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कह रहे हटाओ तो राहुल गांधी होंगे ना अपने लिए। राहुल गांधी अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है, बिल्कुल। राहुल पर विश्वास नहीं है? अखिलेश पर? हमारे सामने कभी कुछ हुआ नहीं, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं उन पे? मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी बहुत जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा लगता है आपकी बार हैट्रिक? हैट्रिक पार है। चलिए जनता जनार्दन की अपनी राय है और ये माँ शीतला का सिद्ध मंदिर है और जनता क्या सोच रही है माता के मंदिर के ठीक इस प्रांगण से मैंने जनता की राय आपको दिखाने की कोशिश करी। प्रतापगढ़ लोकसभा है, वही प्रतापगढ़ जिसपे राजा भैया की हमेशा चर्चा रहती है, लेकिन अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, जनता की सटीक राय ग्राउंड जीरो से आपने देखी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, प्रतापगढ़।